19वीं सदी का भारतीय समाज एक ऐसा समाज था जो छुआछूत और जन्म के आधार पर मिले विशेष अधिकारों पर टिका हुआ था तथा कथित ऊंची जाति के लोगों के पास ही सारे हक हुआ करते थे, जबकि समाज का 75% से भी अधिक तबका, जिन्हें आज की परिभाषा में हम पिछड़े या ओबीसी और अनुसूचित जातियां कहते हैं, शूद्र और अछूत हुआ करते थे। वो लिखने पढ़ने कमाने दुकान लगाने यहाँ तक कि सड़कों पर सम्मान से चलने के हक से भी वंचित थे। आज सबको बराबर का अधिकार हमारा संविधान देता है, लेकिन क्या वाकई आज दलित और पिछड़ों को उनकी हिस्सेदारी मिल पा रही है? आइए जानते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। अभिवादन, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। सत्ता में बैठे कुछ गिद्धों की नजर पिछले एक दशक से ओबीसी एससी एसटी आरक्षण पर बनी हुई है और मौका देख के वो आरक्षण का हनन भी कर रहे हैं, उसे नोच नोच कर खा भी रहे हैं। इनके नेता लगातार आरक्षण हटाने की बात करते आए हैं। आरक्षण के पक्ष के लोग आरक्षण के विपक्ष के लोगों का विचार करके जब कुछ बोलेंगे करेंगे, और आरक्षण के विपक्ष में जो है वो आरक्षण के पक्ष के लोगों का विचार करके कुछ करेंगे बोलेंगे, तब इसका हल एक मिनट में निकल आएगा, बिना कानून बिना नियम। वो सद्भावना जब तक संपूर्ण समाज में खड़ी नहीं होती, इस प्रश्न का हल कोई नहीं दे सकता। आप ऐसे समझिए, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का मुद्दा संसद में कब आया और कब पारित होकर एक्ट भी बन गया, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, लेकिन ओबीसी और एससी एसटी आरक्षण के लिए हजारों साल लंबा संघर्ष किया गया, कितनी जानें इसमें गई, कितना जानमाल का नुकसान हुआ, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा आप सोच कर देखिए, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देकर हुआ क्या? नुकसान इन दी एंड किसका हुआ? किसकी सीटें कम हुई? ओबीसी और एससी एसटी की ही कम हुई, लेकिन ईडब्ल्यूएस पर कोई बात करना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरक्षण देना जब तय किया गया था तब सामाजिक पिछड़ेपन को आधार माना गया था, न कि आर्थिक। मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाते हुए कोटे के अंदर कोटे को अनुमति दे दी है। जजों ने इस बात पर जोर डाला कि अनुसूचित जाति से क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाए, यानी आईएएस आईपीएस और आईएफएस रैंक के अधिकारियों के बच्चों को अब एससी एसटी रिजर्वेशन से अलग रखे जाने पर जोर दिया गया है, और एससी एसटी से अगर कोई बड़ा अधिकारी बनता है तो उसके बाद की जनरेशन को कोटा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनको अब उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा जो गाँव में रह रहे छोटी जाति के लोगों को करना पड़ता है। क्या वाकई ये सच है? एससी एसटी अधिकारियों को तो छोड़िए, इनके जनप्रतिनिधियों को भी जाति सूचक नाम से गालियां दी जाती हैं, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऑफिस छोड़ने के बाद उसे गंगा जल से साफ करवाया गया। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। कहने को अखिलेश यादव के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये उनकी जाति की वजह से नहीं करवाया गया था? एससी एक्ट में क्रीमी लेयर का सिद्धांत अब लाया जा रहा है जो फिलहाल सिर्फ पिछड़ा वर्ग पर लागू होता था। जस्टिस गवई ने कहा कि रिजर्वेशन देने का मकसद देश में समानता लाना है, जिसके लिए एससी एसटी में क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन से अलग रखा जाना जरूरी है। उन्होंने आदेश दिया कि एक पॉलिसी बनाई जाए और एससी एसटी से क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें रिजर्वेशन से अलग कर दिया जाए। अब क्रीमी लेयर में किन लोगों को डाला जाएगा, उनके मापदंड क्या होंगे? एससी एसटी में रिजर्वेशन के मानदंड ओबीसी से अलग हो सकते हैं। जस्टिस पंकज मित्तल ने भी कहा कि किसी कैटेगरी में रिजर्वेशन पहली जनरेशन के लिए होना चाहिए, बाद की जनरेशन के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या सेकेंड जनरेशन की स्थिति जनरल कास्ट के बराबर हो गई है। आप 3000 साल पहले से लेकर आज़ादी तक का हाल छोड़िए और अभी का हाल देख लीजिए। क्या आज एक शूद्र जिसके पास धन दौलत है उसको लोग उसकी जाति के नाम से पीठ पीछे गालियां नहीं देते? आपके ऑफिस में आपका ऑफिसर कोई कथित निचली जाति से हो तो आप दिन में 20 बार उसके कामों का भंडा उसकी जाति पे फोड़ते होंगे, ये कहते हुए कि अरे और इन फला फला से उम्मीद क्या की जा सकती है, जाति का असर कहाँ जाएगा। तो जब तक आप एक अधिकारी को भी उसकी जाति के लिए उसका समाज में शोषण कर रहे हैं तो फिर बराबरी का सवाल आया ही कहाँ से? आप कह रहे हैं कि गरीब एससी एसटी के लोगों को मौका नहीं मिल रहा। आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन उसका रीजन आरक्षण पर बेबुनियाद तरीके से डाल रहे हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य ही लौट फेर के आरक्षण खत्म करना है। गरीब एससी एसटी को मौके तो इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि आप उनकी आरक्षित सीट
भर ही नहीं पा रहे हैं, सीटें खाली पड़ी रहती हैं और बहाना दे दिया जाता है NFS का, यानी नॉट फाउंड सूटेबल। क्या होता जब कृष्ण भी सुदामा को NFS कहकर भगा देते? ये चार्ट देखिए, ये IIM में पढ़ने वाले प्रोफेसर हैं, इनमें कितने OBC ST से हैं, क्योंकि ये तो NFS जो ठहरे, यहाँ कहाँ है आरक्षण। ये भी देखिए, IIT से PhD करने के लिए एक भी ST वाले का नाम नहीं है इस लिस्ट में, अब कहाँ गया आरक्षण। इस चार्ट को भी देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने खुद बताया कि OBC SC ST के कितने पद रिक्त पड़े हैं। ये खाली पद आपसे भरे नहीं जा रहे और प्लानिंग आपकी SC ST से कोटा पाने वाले लोगों को कम करने की है। ये चार्ट बता रहा है कि बैंक, रेलवे, डाक और हर जगह कितने लाखों पद खाली पड़े हैं। आरक्षण का महत्व ही नहीं रह जाएगा जब सरकारी नौकरी ही नहीं निकाली जाएंगी। सबसे अच्छा तरीका सरकार ने आरक्षण खत्म करने का ये निकाला कि आरक्षण सरकारी नौकरी में मिलता है तो सरकारी नौकरी ही खत्म कर दी जाए, ना रहेगी नौकरी ना रहेगा आरक्षण। कुछ नौकरी रहेंगी भी तो वहाँ OBC की कट ऑफ EWS से ऊपर चली जाएगी। इस फैसले को देने वाले जजों में कितने SC ST के हैं इसकी जानकारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि SC ST के दर्द को SC ST से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो झेलता। एक आदमी दूर से बैठ के किसी दर्द को महसूस करता है, एक आदमी उसको झेल के आता। तो इसमें SC ST कितने जज थे, जिन वकीलों ने सपोर्ट किया वो उसमें SC ST कितने थे, किन पार्टी जुड़े हुए थे, जिन्होंने इसको अपोज किया उनमें कितने SC ST जुड़े हुए थे, कौन सी पार्टी जुड़े हैं, उनका मकसद क्या है, इन सब चीज़ों को समझे बगैर और पूरे फैसले को पढ़े बगैर, पूरे तथ्य को जाने बगैर जस्टिस बेला द्विवेदी ने इसको अपोज किया है। मैं नहीं कर रहा हूँ, जस्टिस बेला द्विवेदी ने किया, वो भी जो है सीनियर जज है हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 का वॉयलेशन हो रहा है, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और जो पहले होता आया, मेरी सुप्रीम कोर्ट का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि जो SC ST को मिला है क्या उसकी मॉनिटरिंग कमी हुई है। देखिए, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा 14,732 करोड़ रुपए कर्नाटक में लगा दिया गया, अन्य जो गारंटी दी थी उनमें, और यहाँ 95 करोड़ रुपए लगा दिया गया मध्य प्रदेश में पशुओं जानवरों के ऊपर। सवाल यह है कि SC ST के हितों की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट में SC ST कितने जज हैं, कितने यूनिवर्सिटियों के चांद SC ST के हैं, कितने ED CBI जो संस्थाएं हमारी उनके हेड SC ST के हैं, कितने जो हैं ये सेंट्रल सेक्रेटरीट में कितने SC ST कर्मचारी हैं, इसकी क्या जानकारी सुप्रीम कोर्ट को है? क्या इनको मॉनिटरिंग कर रही है? आपने फैसला दिया था रिजर्वेशन प्रमोशन लागू होना चाहिए, आर्टिकल 16(4) आप ही का फैसला है, तो आपने उसको क्या है उसके बाद जो है वो लागू नहीं हो रहा, क्या आपने मॉनिटरिंग की? सिर्फ फैसले से काम नहीं होता है, जमीन पे उसकी क्या सच्चाई, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ, मैं SC ST से आता हूँ, मैं समझता हूँ, आप MP बन जाओ, MLA बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, आप जज बन जाओ, वकील बन जाओ, और आप जो IAS IPS बन जाओ, तो भी SC ST का स्टेटस नहीं बदलता, मैं इस बात को समझता हूँ। तो वाहियात वाले चुटकुले तो सुने ही होंगे कि 50 नंबर लाकर भी आरक्षण पाकर उसका सिलेक्शन हो गया और हमारा 80 पर भी नहीं हुआ, सुने ही होंगे, मगर कभी कट ऑफ देखी है? नहीं, तो हम दिखाते हैं। ये एम्स का रिजल्ट है। UR और SC कैटेगरी में सिर्फ 2% का फर्क है, UR और ST कैटेगरी में सिर्फ 6% का, जबकि OBC और UR कैटेगरी में कट ऑफ में मात्र 0.4% का फर्क है। अब आरक्षण विरोधी सवर्णों के तर्क कैसे होते हैं? OBC की इन जातियों ने OBC का सारा हक छीन लिया है, अमुक जाति ने SC का सब मौका ले लिया है, अमुक जाति ST में बहुत मजबूत हो गई है, इन सबको आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए, तब जरूरतमंद को आरक्षण मिल सकेगा। लेकिन इसके लिए तो आंकड़े चाहिए होंगे ना, या बस इसलिए इस तर्क को जायज मान लिया जाए क्योंकि अमुक अमुक जातियां ज्यादा नजर आती हैं, ज्यादा सबसे मुखर रहती हैं, बस इसलिए उन्हें OBC SC ST से बाहर कर देना चाहिए? इसके आंकड़े कहाँ हैं? कोई भी नियम बनाने के लिए आंकड़े चाहिए होंगे कि कब कहाँ कितनी जातियों ने अपने समुदाय का ज्यादा हिस्सा लिया, कितनी नौकरियों में कितने फीसदी पदों पर कौन सी जाति का कब्जा है, आबादी के अनुपात से ज्यादा प्रतिनिधित्व किसे कहां कब मिला है, ये सब कौन बताएगा? जाति जनगणना करवाइए, उसके बाद आंकड़े सार्वजनिक होंगे कि किसी वर्ग में किसी जाति ने अपने अनुपात से ज्यादा जगह ले रखी है या नहीं, फिर आगे के नियम बनेंगे कि क्रीमी लेयर होना चाहिए या वर्गीकरण होना चाहिए या दोनों होने चाहिए, मगर जाति जनगणना के पहले इस पर बात करना बेमानी है। वो तो बहुत गलत है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ST SC में क्रिमिनल यार OBC को तो पहले ही बर्बाद कर दिए, अब ST SC में क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। 1.3% भी ST SC के पास जमीन नहीं है, किसान नहीं है और रोजगार नहीं है, भैया इस पर तो व्यापक चर्चा की जरूरत है सदन में, सर्वदलीय बैठक को जरूरत हो तो अध्यादेश लाया जाए। और यही बात यहाँ के आरक्षण में,
सकती है। जब आरक्षण यहाँ 67% दिया गया तो दोनों दल के जो सरकार थे उन्होंने सही तरीके से उसको प्लेस नहीं किया, सदन में नहीं लाया, सदन के द्वारा नहीं भेजा, कैबिनेट डिसीजन में कुछ त्रुटि रह गई। तो आज जो आप दादा नाना कर रहे हैं तो उस वक्त कहां थे? और यदि इतना गंभीर है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष मिल लीजिए, मिल के सदन से यहां से भेज दीजिए। हर चीज में राजनीति, पहले ही आपने त्रुटि दे दिया हाईकोर्ट जाने का। आप यदि वो क्लोजर लगा दिए होते तो हाईकोर्ट आपके इस आरक्षण को कैंसिल ही नहीं करता। ये सरकार दलित पिछड़ा विरोधी सरकार लगती है और ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि सरकार तो अपनी योजनाओं में चीख चीख के कह रही है। EWS के जरिए 69,000 शिक्षक भर्ती के जरिए आरक्षण विरोधी बयान दे देकर और अब SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लाकर ये क्या करना चाहते हैं? आप सोचिए, क्या SC ST वाले इस निर्णय से खुश होंगे? क्रीमी लेयर के अलावा SC ST में वर्गीकरण करने का भी फैसला आया है। क्रीमी लेयर तो ऐसे लोग हो गए जिनके गार्जियंस सरकारी अफसर हैं या जिनके पास जमीन है। अब कितनी जमीन और कितनी सालाना इनकम वालों को SC ST कोटे से बाहर करके क्रीमी लेयर में डाला जाएगा वो अभी तय नहीं है, लेकिन वर्गीकरण का मामला इससे अलग है। इसका मतलब ये है कि SC ST के अंदर ही ऐसी जातियों को चिन्हित किया जाएगा जो सरकार की नज़र में फल फूल गई हैं, विकसित हो गई हैं। जैसे SC में मान लीजिए एक जाति दूसरी SC की जातियों की अपेक्षा ज़्यादा विकसित है तो उन्हें चिन्हित करके एक अलग वर्ग बना दिया जाएगा। उसके बाद SC को जो 15% कोटा मिलता है उसको भी दो हिस्सों में बांटकर SC के अलग किए गए विकसित वर्ग को 3 या 4% कोटा दे दिया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण करके अति पिछड़ा वर्ग बना दिया गया था। इसके अब क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। आप इतना तो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जातियां OBC के अंतर्गत आती हैं और OBC कभी एक होकर किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि OBC आपस में लड़ता रहा कि मेरी जाति तुझसे बड़ी और तेरी मुझसे छोटी। OBC की जातियों को किसने बताया कि आप में कौन बड़ा और कौन छोटा? ये इन्हें तब पता चला जब क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस किया गया और वर्गीकरण कर दिया गया। पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर वाले लोग उनसे बैर मानते हैं जो नॉन क्रीमी लेयर में आरक्षण ले रहे हैं। हालांकि आज क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाला एक OBC 4 लोगों के बीच बड़ी शान से कहता है, अरे हम आरक्षण वारक्षण नहीं लेते, हम तो क्रीमी लेयर वाले हैं। इससे वहाँ खड़ा नॉन क्रीमी लेयर खुद को नीचा महसूस करता है, वहाँ फिर से बैर आ जाता है। दरअसल क्रीमी लेयर वाले के ऐसे कहने के पीछे भी एक एजेंडा है। कथित ऊंची जातियों ने EWS आने से पहले तक आरक्षण को भीख की तरह पेश किया, भीख, और आरक्षण लेने वालों को खूब गालियां दी। और जब EWS लाकर इन्हें भीख दी गई तो सब अपनी अपनी झोली खोलकर खुशी खुशी भिखारी बन गए। आप भी बहुजनों के हितों की बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को जानने दीजिए कि इस सरकार की मंशा आखिर क्या है। शुक्रिया।